अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के आर्किटेक्चरल डिजाइन के बारे में जानकर आप लोग आश्चर्य हो जाएंगे। यह आर्किटेक्चरल डिजाइन प्राचीन भारतीय हिंदू मंदिरों से इंस्पायर्ड है। तो चलिए आज जानते हैं भव्य राम मंदिर के आर्किटेक्चरल डिजाइन के बारे में। राम जन्मभूमि में बन रहे भव्य राम मंदिर को नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया जा रहा है। ये एक प्राचीन आर्किटेक्चरल स्टाइल है। उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाए जाने वाले कितने सारे प्राचीन मंदिर इसी आर्किटेक्चरल डिजाइन में बनाए गए हैं। माना जाता है कि दिस आर्किटेक्चरल डिजाइन फ्लोरिश ड्यूरिंग 5th सेंचुरी, मोस्टली ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। पर इस आर्किटेक्चरल डिजाइन को बाद में हर एक किंगडम ने अपनी ही तरीके से इवॉल्व किया। नगर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में अधिक जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, नगर का मतलब ही है सिटी। सो दिस इज सेमी अर्बन इवॉल्व्ड क्लास ऑफ आर्किटेक्चरल डिजाइन। नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर वास्तु पुरुष मंडल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसमें मंदिर का गर्भगृह कॉस्मिक फोर्सेस के साथ अलाइंड रहता है। दिस अलाइनमेंट सिग्निफाइज दैट यह मंदिर ब्रह्मांड के कॉस्मिक फोर्सेस का एक हिस्सा है। नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के कई सारे ब्यूटीफुल फीचर्स हैं, जैसे कि गर्भगृह। गर्भगृह वो स्थान है जहां पर देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। मंदिर के प्रांगण में आप लोगों को मंडप, अर्ध मंडप, अंतराल देखने को भी मिल जाएगा। नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में मंदिर के प्रांगण में प्रदक्षिणा पथ रहता है, जिस पर चलकर डिवोटीज मंदिर का परिक्रमा कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस आर्किटेक्चरल डिजाइन का और एक इम्पोर्टेंट फीचर है विमान, द टावर ऑफ द टेम्पल। और ये सब आप लोगों को अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ मंदिर के चारों तरफ बहुत सुंदर कार्विंग्स हो रही है रामायण और महाभारत काल को, जिसमें दर्शाया गया है। मैं जानता हूँ आप सब लोग मेरी ही तरह भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। तो बोलिए जय श्री राम।